नमस्कार बच्चों, नव भारती स्टडी सर्किल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं प्रभात शर्मा आपके सामने गणित कक्षा 10 का ज्यामिति का एक चैप्टर लेकर प्रस्तुत हूं। ये दो प्रमेय है जो मैं आपकी, पहली प्रमेय है द परपेंडिकुलर ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्टर कॉर्ड। दूसरी प्रमेय है द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट थ्रो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। इन दोनों प्रमेयों को आज हम हल करते हैं। चलिए पहली प्रमेय लेते हैं। ये हिंदी में पढ़े तो हम एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है, और दूसरी जो वृत्त की स्पर्श रेखा के संबंध में है प्रमेय, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती हैं। पहले हम पहली प्रमेय करते हैं। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। हम बनाते हैं, हमें एक वृत्त लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब किसी भी प्रमेय को हम हल करते हैं तो हमें कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। हमें जब प्रमेय हल करते हैं सबसे पहला काम करना होता है हमें उसका चित्र बनाना है, रेखा चित्र, ठीक है। दूसरा काम करना है हमें ये देना है कि दिया हुआ क्या है, व्हाट इज गिवन, दिया हुआ क्या है, ठीक है। तीसरा काम करना है हमें उसके बाद में कि सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव, हमें क्या सिद्ध करना है। फिर चौथा काम करते हैं, इसमें कुछ अपने को अलग से कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता है, कुछ रचनाएं करनी होती तो वो हम करते हैं। और जो पांचवा काम करते हैं वो है इसको प्रूफ करते हैं, उपपत्ति। इन पांच पदों में हम जब करना प्रारंभ करते हैं तब जाके हम किसी प्रमेय को हल कर पाते हैं। तो पहला पद है चित्र, चित्र बनाना है। तो पहले तो वृत्त बनाएंगे, आपका वृत्त दिया हुआ वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त के केंद्र से मान लेते हैं केंद्र है यहां, ठीक है। वृत्त का केंद्र है ये, ठीक है। वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर, जीवा लेते हैं, ये जीवा है। इस केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है। लंब कैसे डालेंगे आप? लंब डालने के लिए पहले आपको यहां पे रखते हुए एक चाप काटेंगे, इस हिसाब से एक चाप ऊपर काटेंगे, एक चाप इधर काटेंगे, फिर इसको इसके साथ में मिला देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप लंब काटते हैं। जीवा के केंद्र से, जीवा के केंद्र से इसके ऊपर एक लंब डाला जाता है, ठीक है। यह लंब जब इसके ऊपर डाला गया है तो ध्यान रखना है हमें इसकी जो ये वाला कोण है और ये वाला जो कोण है, लंब डाला है तो ये 90 डिग्री होंगे, ठीक। तो ये दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है, सेंटर दिया है, एक जीवा दी है, सेंटर से जीवा के ऊपर डाला गया लंब दिया है। सेंटर है इसका, ये बिंदु मान लेते हैं ओ है, कोण है ए बी, और लंब डाला है ओ एम, राइट। सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, दिया तो है एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब, अब सिद्ध करना है जीवा का समद्विभाजन करता है, ये सिद्ध करना है। इतना पार्ट तो आपका है गिवन,
और ये वाला पार्ट है आपका जो सिद्ध करना है, राइट। तो जो सिद्ध करने वाला पार्ट है वो है जीवा का संबंधन करता है, आपको सिद्ध करना है बीएम, ये जो लाइन है ये दिस और दिस ये दोनों इक्वल है, बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए लिखते हैं, पहले सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या क्या दिया है, जो दिया है उसे लिख दो। आपको एक व्रत दिया है, एक व्रत दिया है, एक व्रत दिया है आपको जिसका केंद्र, जिसका केंद्र ओ है, ठीक है। और क्या दिया है आपको, ये तो एक बात दी है आपको, जीवा दिया है, ए बी, ए बी जीवा है जिस पर केंद्र से लंब ओ एम के है, ये भी आपको दिए, ठीक है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, टू प्रूफ, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये बीएम है एमए के बराबर है, बीएम है जो एमए के बराबर है, जीवा को संधिवचन करते हैं, राइट। अब आपको इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कुछ रचना करनी पड़ेगी, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हमें ओ को बी से मिलाना है और ओ को ए से मिलाना है, ये हमें कंस्ट्रक्शन करना है। दो बातें कंस्ट्रक्शन की हमने, ओ को ए से व बी से मिलाया है, राइट। अब प्रूफ, अब आपको करना है प्रूफ इसको सिद्ध करने के लिए। चौथा बिंदु था प्रूफ, फर्स्ट हो गया आपका गिवन, गिवन पार्ट, सेकेंड हो गया आपको क्या सिद्ध करना है, थर्ड इसके लिए आपने कुछ कंस्ट्रक्शन की तो वो, और फोर्थ होता है आपका प्रूफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। और चित्र तो है ही आपका, रेखा चित्र तो है ही, रेखा चित्र सबसे पहले आपको बनाना ही। अब देखो इसमें दो चित्र, दो आपको त्रिभुज दिख रहे हैं, दो आपको त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज दिख रहा है आपको ये वाला दिस, त्रिभुज है, त्रिभुज ओ एम बी, वह दूसरे त्रिभुज वाला दिख रहा है आपको ओ एम ए, राइट, त्रिभुज ओ एम ए। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर की बात करते हैं, यदि हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग से सिद्ध करते हैं, एक जैसा सिद्ध करते हैं, सेम टू सेम सिद्ध करते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं ना कि बी एम एम ए के बराबर है। तो जब किसी दो त्रिभुजों को सर्वांग से सिद्ध करते हैं तो हमें तीन बातें उनकी बराबर सिद्ध करनी होती है, जिनमें कम से कम एक बात उनकी एक भुजा होनी चाहिए। त्रिभुज में कुल कितने बीमाएं होती हैं, छह बीमाएं होती है, तीन तो कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती हैं, हमें तीन कोणों में से कोई दो कोण और एक भुजा, एक कोण या दो भुजा या तीनों भुजाएं, मतलब कम से कम एक भुजा आवश्यक होनी चाहिए। ये तीन बातें आपस में इक्वल सिद्ध कर देते हैं तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं, एक जैसे होते हैं, ये सिद्ध अपने आप हो जाता है। तो देखते हैं हम क्या तीन बातें सिद्ध कर सकते हैं इनमें से। देखिए ये दोनों त्रिभुज हैं ओ एम रेखा, इन दोनों में कॉमन है ना, उसमें भी है इसमें भी कॉमन है, तो फिर बराबर होगी, तो हम कह सकते हैं कि इसकी ओ एम और इसकी भी ओ एम बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ भुजा है, राइट। दूसरी बात, ये तो हमने पहली बात सिद्ध करी, दूसरी पहली बात सिद्ध करी, दूसरी बात सिद्ध करते हैं। ये वाला जो कोण था, ये दिस कोण,
कोण कितने डिग्री के हैं दोनों में त्रिभुजों में? 90 डिग्री के हमने बनाया था ना, OM नाम डाला था, ये दिया हुआ है आपको, गिवन में है, ये यहाँ पर ये रहा केंद्र से लंब है OM, तो जो गिवन है ये, तो इसके इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी एम ओ इक्वल्स टू एंगल ए एम ओ, एंगल ऐसे लिखते हैं बी एम ओ, एम बीच में लेते हैं जिस एंगल की बात कर रहे हैं, यहां पे भी एम बीच में आएगा, ओ एम ए, ठीक है। ये दोनों का दोनों त्रिभुज क्या है? 90 डिग्री के हैं, ये आपको दिया है, दिया हुआ है, राइट। तीसरी बात, तीसरी बात समझ रहे हैं, तीसरी बात क्या है दोनों के अंदर बराबर, ध्यान दो, ये जो रेखा है ये क्या है? ओ ओ एम रेखा खंड है ना, तो ये क्या है? ये इस त्रिभुज की त्रिज्या है, और ये वाला भी ओ ए ये क्या है? ये भी इस त्रिभुज की त्रिज्या है, तो इस त्रिभुज का इस वृत्त की त्रिज्या है। देखिए इस त्रिभुज की भुजा ओ बी इस वृत्त की त्रिज्या है ओ बी, और इस नीचे वाले त्रिभुज की जो त्रिज्या है ये जो साइड है ओ ए, ये जो भुजा है ओ ए वो भी इस वृत्त की त्रिज्या है, तो इस वृत्त की त्रिज्या ये और इस वृत्त की त्रिज्या ये, त्रिज्या तो कहीं भी हो बराबर होगी होगी, तो OB और OA भी बराबर है, OB बराबर है OA के, क्यों बराबर है? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, राइट। और फिर तीन बातें सिद्ध कर दी, जब आपने तीन बातें सिद्ध कर दी तो फिर आप लिख सकते हैं कि दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। फिर हम लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज त्रिभुज ओ एम बी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ एम ए के। बताइए इसमें हमने कितने साइड ली और कितने एंगल लिए? दो तो साइड ली, ओ एम साइड है ना, एक साइड ले ली ओ बी ओ ए, और एक एंगल लिया, दो साइड ली एक एंगल लिया, एस साइड एस और एंगल ए, तो एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम अनुसार ये है, एस ए एस नियम से, ठीक है, एस ए एस नियम से ये दोनों त्रिभुज समांग सम हो गए। तो दोनों त्रिभुज समांग सम हो गए तो हम लिख सकते हैं कि संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, अतः संगत भुजाएं बराबर होंगी। संगत भुजाएं कौन कौन सी, किन भुजाओं के बारे में बात करें? ये दो तो, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये तो है, तीसरी बच गई जो ये वाली, उसकी बी एम इसकी एम, बी एम बराबर एम। आपको सिद्ध क्या करना था? ये रहा प्रूफ, प्रूफ ये सिद्ध करना था ना, ये रहा बीएम बराबर एम ए है क्या, वो हमने सिद्ध कर दिया बीएम बराबर एम ए, ठीक है। यहां लिख सकते हैं आप कितनी सिद्ध, राइट। इस प्रकार से हम प्रमेय को प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं। चलिए अब हम एक नेक्स्ट प्रमेय भी प्रूफ करते हैं। यह व्रत के बाहर स्थित किसी बिंदु से व्रत पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती हैं। व्रत के बाहर स्थित किसी बिंदु से व्रत पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती हैं। तो यह भी दिया हुआ है, दिस इज गिवन, दिस इज आल्सो गिवन, और यह आपको प्रूव करना है, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, समझ में आना चाहिए बिल्कुल। चलिए पहले तो बनाते हैं वृत्त, वृत्त पहले सबसे पहले काम चित्र बनाना है ना, तो चित्र बनाते हैं। पहले वृत्त लिया, इस वृत्त का केंद्र मान लेते हैं हम ये, राइट। इस वृत्त के बाहर स्थित बिंदु,
बाहर से बिंदु है, मान लीजिए ये तो है O और ये मान लेते हैं M है P। इस बाहर स्थित बिंदु से आपने दो स्पर्श रेखाएं खींची, इससे एक स्पर्श रेखा B खींची और एक स्पर्श रेखा आपने राइट। ये मान लीजिए स्पर्श रेखाएं मिलती हैं इसको A पर और B पर, ये बिंदु ये सिद्ध करना है AB बराबर BP। पहला काम चित्र बनाया आपने, ये तो आपने कर दिया पहला काम। अब दूसरा काम करना है आपको, लिखना है गिवन। गिवन क्या क्या गिवन है आपको? एक तो वृत्त गिवन है, वृत्त गिवन है जिसकी त्रिज्या क्या है, जिसकी केंद्र क्या है, केंद्र O है, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है आपको? दो स्पर्श रेखाएं दी हुई है, दो स्पर्श रेखाएं, AP व BP राइट। सिद्ध क्या करना है? प्रूफ, प्रूफ। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AP बराबर, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं परस्पर समान होती हैं, या लिखा है परस्पर समान होती है इक्वल, तो दोनों बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है AP बराबर BP। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है आपको? कंस्ट्रक्शन। कुछ और रचना करनी है क्या इसको सिद्ध करने के लिए? बिल्कुल करेक्ट है। O को A से मिला, इनको सबको मिला देते हैं, मिला के कुछ त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं, दो त्रिभुज बनते हैं, तो O से P को मिलाया, O से A को मिलाया और O से B को मिलाया, ये आपने कर दिया, दो त्रिभुज आपने बना लिए। अब हम इसको करते हैं चौथा, चौथा बिंदु लेते हैं, तो मीटर लो लेते हैं पांचवा, पांचवा बिंदु लेते हैं प्रूफ। इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, प्रूफ करने के लिए हम दोनों त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज O P A व त्रिभुज O P B में, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। अभी हमने पहली वाली प्रमेय देखा था, सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें क्या बातें करनी होती हैं? त्रिभुज की छह विमाएं होती हैं, छह, तीन तो कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती हैं, इन छह में से तीन चीजें आपको इक्वल सिद्ध करनी है दोनों की, लेकिन उनमें कम से कम एक भुजा लेना आवश्यक है। ये दो त्रिभुज है, इनमें से कम एक भुजा लेके हम सिद्ध करनी है बराबर, तो भुजा तो दिख भी रही है अभी आपको, इसमें भी ओपी दोनों में कॉमन है, ले लेते हैं इस त्रिभुज की ओपी और दूसरे त्रिभुज की ओपी बराबर है, क्योंकि ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक, कि स्पर्श किसी भी वृत्त के ऊपर जब स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा उस त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये जो त्रिज्या है OE वो इस स्पर्श रेखा के 90 डिग्री कोण बनाएगी, ये त्रिज्या OB इस स्पर्श रेखा के साथ में 90 डिग्री कोण बनाएगी, तो हम कह सकते हैं दोनों कोण इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण आपस में बराबर है, तो कोण लिखते हैं कोण OAB इज इक्वल्स टू कोण एंगल OBP, दोनों एंगल बराबर है, क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, समकोण है राइट। नेक्स्ट तीसरी बात, जो पिछले वाले प्रमेय में थी आपको दिख रही होगी, इस प्रमेय में भी है कि ये जो लाइन है ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों इस वृत्त की त्रिज्या है, ये त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या है इसलिए बराबर है, तो OA इसकी और O
बी उस त्रिभुज की आपस में बराबर होंगी क्योंकि ये क्या है वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तीन बातें बराबर होंगी, एक बात, दो बात और तीन बात, और उसमें कम से कम एक भुजा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है। तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज ओ ए पी इस सर्वांग समतु, ट्रायंगल ओ बी पी कौन से नियम से, दो भुजाएं हैं, दो साइड है, एक एंगल है, एस ए एस, एस ए एस नियम, राइट। तो दोनों त्रिभुज समांग सम हो गए तो हम कह सकते हैं कि उनके संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, अतः संगत भुजाएं बराबर होंगी। संगत भुजाएं बराबर होंगी तो बस ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, बस ये वाली आपस में भी बराबर होंगे, एपी इक्वल टू बीपी, यही सिद्ध करना था, टू प्रूव यही था ना, एपी बराबर होंगे और हमने यही सिद्ध कर दिया, तो हम लिख सकते हैं यहां पर एपी सिद्ध। इस प्रकार से हमने ये दो प्रमेय सिद्ध करना आज सीखा है। बच्चों आप इन प्रमेयों को ध्यान से समझ लिया होगा, आपने कॉपी अपनी बंद करिए, किताब इसको वीडियो को बंद करिए, कॉपी खोलिए और पेन उठाइए और इन दोनों प्रमेयों को आपने आप सिद्ध करिए। यदि आप इनको सिद्ध कर लेते हैं तो फिर निश्चित रूप से आप परीक्षा में भी हल कर पाएंगे। इनके ऊपर आधारित प्रश्न हम प्रश्नावली को हल करेंगे तब लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।